असल स्टूडेंट्स हमारा आज का लेसन क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के सिलेबस के बारे में है एंड इन टूडेज लेसन वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड वर्क थ्रू ऑफ द सिलेबस फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ टू थाउजेंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन आवर लिस्ट इज फैक्ट्स एंड एनोलॉजीज तो फैक्ट बेसिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है विच इज ऑलवेज ट्रू और एनालॉजी में हम दो चीज़ों के दरम्यान कंपैरिजन करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलेरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रो नाउन एंटेसीडेंट रिलेशनशिप्स तो जैसे कि आपको पता है कि प्रो नाउन इंग्लिश में किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है तो जब प्रो नाउन किसी नाउन को रिप्लेस करता है और वो नाउन प्रो नाउन से पहले आए तो हम उस नाउन को प्रो नाउन का एंटेसीडेंट कहते हैं तो प्रो नाउन एंटेसीडेंट रिलेशनशिप में बेसिकली हम एक नाउन और उसके प्रो नाउन के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि प्रो नाउन और नाउन हमेशा आपस में एग्री करते हैं वो रिलेटेड होते हैं अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके लिए प्रो नाउन भी ही चूज किया जाएगा और अगर नाउन प्लूरल होगा तो प्रो नाउन भी प्लूरल होगा नाउन मैस्कुलिन होगा तो प्रो नाउन भी मैस्कुलिन होगा नाउन फेमिनिन होगा तो प्रो नाउन भी फेमिनिन होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक है एनाफोरिक कैटाफोरिक एंड एक्सोफोरिक रेफरेंसेस तो जब कोई प्रो नाउन या कोई फ्रेज जो है किसी ऐसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करे जो डिस्कशन में पहले आ चुकी हो तो ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस और जब कोई प्रो नाउन या कोई और वर्ड या फ्रेज किसी ऐसी चीज किसी ऐसी चीज को पॉइंट आउट करे जो हमारे स्टेटमेंट में या पैराग्राफ में बाद में आए तो उसको कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं और एक्सोफोरिक रेफरेंस में ए, कोई वर्ड या फ्रेज किसी ऐसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है जो कि डिस्कशन से आउट होती है फिर टॉपिक है जी हमारा ट्रांजिशनल डिवाइस एंड देयर टाइप्स तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिशनल डिवाइस बेसिकली ऐसे वर्ड या फ्रेजेस होते हैं जो कि हमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस की कई टाइप्स हैं लाइक ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एडिशन ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंपैरिजन, एग्जांपल, कॉज एंड इफेक्ट, एम्फोसिस एंड सॉन्ग द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इन आवर सिलेबस इज जोनर ऑफ लिटरेचर तो लिटरेचर की डिफरेंट टाइप्स को हम स्टडी करते हैं लाइक फिक्शन नॉन फिक्शन पोइट्री लेजेंड एंड वन एक्ट प्ले नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन और फिक्शन के एलिमेंट्स में सेटिंग कैरेक्टर्स प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट थीम टोन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिम्बलिज्म तो ये एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन है अब फिक्शन में कोई भी शॉर्ट स्टोरी ड्रामा या नॉवल आता है जो क्लास ट्वेल्थ की जो इंग्लिश है उसमें हम नावल पढ़ते हैं नावल के अंदर हम इन तमाम एलिमेंट्स ऑफ फ़िक्शन को स्टडी करते हैं हमारा जो नावल है वो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ नावल है उसके अंदर हम इन एलिमेंट्स ऑफ़ फ़िक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस नावल में सेटिंग क्या है कैरेक्टर्स क्या हैं प्लॉट क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्या है थीम क्या है टोन क्या है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और सिम्बलिज़म क्या है And the next very important topic is figurative language. Yeah, figures of speech the figurative language may have words ko unke literal meanings. Se kar use karte In figurative language, words are used out of their literal meanings. And there are various types of figures of speech that we study like metaphor, simile, personification, alliteration, imagery, anaphora, hyperbole, assonance. कॉन्जोनेंस एनमोटोपिया एनजेमेंट एंटीथिस पैराडॉक्स ऑक्सीमोरॉन एंड आयरनी तो ये डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हम स्टडी करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेशन एंड डिनोटेशन तो कॉनोटेशन में हम वर्ड्स के कंटेक्सुअल मीनिंग्स को देखते हैं जबकि डी में वर्ड्स के जो लिटरल मीनिंग्स हैं या डिक्शनरी मीनिंग्स हैं उनकी बात होती है द नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ नाउंस और टाइप्स ऑफ नाउंस में हम स्टडी करेंगे कलेक्टिव नाउंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस, मटीरियल एंड एबस्ट्रैक्ट नाउंस। सो वी आल्सो स्टडी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हम स्टडी करते हैं पर्सनल प्रो नाउंस रियलेटिव प्रोनाउंस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंडेफिनेट प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस

एंड परफेक्ट पार्टिसिपल फिर वर्ब्स रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करते हैं वो हैं जी जेर एंड इनफेनेटिव सो वी ऑल्सो स्टडी टाइप्स ऑफ एजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एजेक्टिव एंड ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ एड वर्ब्स तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में हम स्टडी करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एडवर्ब्स ऑफ मैनर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री सो वी आल्सो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस लाइक प्रपोजिशंस ऑफ पोजिशन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन द नेक्स्ट वी है फ्रेजेज एंड देर टाइप्स तो फ्रेज कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज नहीं होते और ये एक कम्प्लीट सेंटेंस नहीं बनाता अब फ्रेज की कई डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज एजेक्टिव फ्रेज एड वर्ब फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज जेरेंट फ्रेज पार्टिसिपल फ्रेज एंड इनफेटिव फ्रेज

तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को हम स्टडी करेंगे फिर है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंसेस की हम फोर टाइप्स को हम स्टडी करेंगे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो सेंटेंसेस बेसिकली क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजे के जॉइन होने से बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ ज्वाइन होता है द नेक्स्ट वी हैव कंडिशनल सेंटेंसेस कंडिशनल सेंटेंसेज की टाइप हम पढ़ेंगे लाइक जीरो कंडिशनल फर्स्ट कंडिशनल सेकेंड कंडिशनल थर्ड कंडीशनल सेंटें सो एवरी कंडीशनल सेंटेंस हैजू पार्ट टू क्लॉजे तो कंडीशनल सेंटेंस में एक इफ कलॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जबकि मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में होता है सेकेंड कंडिशनल में इफ क्लॉज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होता है और और उसका जो मेन क्लॉज है उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और मेन क्लॉज के अंदर हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं फिर हम बात करते हैं टेंसेस की वैसे तो इस लेवल तक आपको तमाम टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है लेकिन हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को स्टडी करेंगे फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपके पेपर के अंदर आपसे ये पूछा जाता है आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हो तो आपने उसी पैराग्राफ को री करना होता है बाई कन्वर्टिंग इट इंटू इन डायरेक्ट स्पीच इस तरह आपको सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं जिनको आपने एक स्पीच से दूसरी स्पीच में कन्वर्ट करना हो इस तरह पेपर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो है ग्रामेटिकल एरर्स और ये ग्रामेटिकल एरर्स किसकी होती हैं वर्ब नाउन प्रो नाउन एजेक्टिव स्पेलिंग्स प्रपोजिशन आर्टिकल कंजंक्शन एडवर्ब, वर्ब पंक्चुएशन अब इन तमाम कॉन्सेप्ट की एरर्स जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जा सकता है जिसमें ये एरर्स होंगी आपने उन एरर्स को जो है वो आइडेंटिफाई uh, करना होगा अब सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है उसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ईडियम्स जिनको आप उर्दू में महावरात कहते हैं तो यूजुअली आपको सेवन ईडियम्स दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई सिर्फ फाइव का आंसर करना होगा और फिर है जी एस ए राइटिंग तो आपने एक एस ए लिखना होगा ऑफ लेंथ टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड वर्ड्स और यूजअली आपको एस ए की आउटलाइन दे दी जाएगी तो आपको उसके मेन पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आउटलाइन दे दी जाएगी और उस आउटलाइन को यूज करते हुए आपने ऐसे लिखना होगा और फिर है जी रिपोर्ट राइटिंग तो आपने रिपोर्ट लिखनी होगी तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके okay, तो ये था क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के सिलेबस का एक डिटेल्ड वॉक थ्रू आई होप के आपको सिलेबस uh, को समझने में हेल्प मिलेगी